लंबे समय से ये दावे किए गए थे कि इंदौर शहर के बीचों बीच से बहने वाली कान्ह नदी को साफ सुथरा बनाकर इसके किनारों को सुंदर और विकसित किया जाएगा, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि लगातार हो रहे आंदोलन, लगातार किए जा रहे प्रयासों और लगभग 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने के बाद भी कान्ह नदी को गंदे नाले से नदी नहीं बनाया जा सका है। यहां आपको बता दें कि कान्ह नदी मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर महानगर के बीचों बीच से गुजरती है और यहीं से शुरू होता है इस नदी के गंदे नाले में तब्दील होने का सिलसिला। क्या कुछ कारण है इसके पीछे और क्यों अब तक जो प्रयास किए गए हैं वो असफल साबित हुए हैं? हाल ही में जब प्रदूषण बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की है तो अब तक इसमें सुधार क्यों नहीं हो पाया है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी के साथ। उनके साथ मौजूद रहेंगे इसी विषय पर बात करने के लिए प्रोफेसर संदीप नारुलकर, ये SGSITS के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और इस विषय में विस्तार से हमसे बात करेंगे। तो राहुल जी, सीधे आपसे जुड़ते हैं, जानना चाहेंगे अब तक क्या कुछ हुआ है कान्ह नदी को सही करने के लिए, इसे साफ सुथरा बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं अगर हम शुरुआत से बात करें तो, और कहाँ कमी रह गई है कि आज भी जब ये रिपोर्ट जारी हुई है तो कहीं पर भी जो है प्रयास जो है ये सफल होते नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल दीपिका, जो रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जारी हुई है वो काफ़ी निराशाजनक कही जा सकती है, इस लिहाज से कि इंदौर के बिल्कुल बीचों बीच से बहने वाली जो कान्ह नदी है ये अभी भी इतनी ज़्यादा दूषित है कि इसके पानी को ट्रीटमेंट के बाद भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तमाम तरह के प्रयास इसको लेकर किए जाते रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ये कोशिश जो है वो इसमें चल रही है। आपको बताएं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके भी निर्देश कई बार इस नदी को लेकर हुआ है, उसी के तहत जो नाला टैपिंग है वो तक की गई है, यानी जो शहर भर का जो गंदा पानी है वो इस नदी में मिलने से रोका जाए, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन उसका कोई ये कहें कि सार्थक रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है और तमाम प्रयास जो है वो शायद इस रिपोर्ट के बाद के चलते विफल ही नज़र आ रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें की जा रही है कि कान्ह नदी को पुराना स्वरूप दिया जाए, उसको एक चूँकि इसके पहले आपको बताएं कि जो इतिहासकार वो ये बताते रहे हैं कि इस कान्ह नदी में इतना स्वच्छ पानी बहता था कि लोग इसमें स्नान तक करते थे, लेकिन जिस तरह से अब ये पूरे नाले में कन्वर्ट हो गई है, इसको वापस से उसके पुराने स्वरूप में लाने के तमाम प्रयास कर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तकरीबन 650 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है वो इन प्रयासों पर और इस पूरे काम पर खर्च हुई है कि नाला जो है वो नदी का रूप वापस से ले ले, लेकिन तमाम प्रयास अभी तक नाकाम ही साबित हुए हैं। इस पूरे विषय पर दीपिका हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर संदीप नारुलकर, जो SGSITS कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, साथ ही CEPRD के उपाध्यक्ष भी हैं। ये वो संस्था है दीपिका, आपको बताना चाहेंगे कि जो एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर काम करती है, और उससे भी प्रोफेसर संदीप नारुलकर जो है वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, और चूँकि पानी से जुड़ा मामला है, नदी से जुड़ा मामला है, ऐसे में इनकी एक्सपर्टाइज भी इस पूरे मामले में है। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये जो रिपोर्ट आई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, काफ़ी इसके जो रिजल्ट्स है वो निराशाजनक कहे जाएंगे कि जो कान्ह नदी है वो उसका पानी अभी भी सबसे ज़्यादा दूषित है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कान्ह नदी को कान्ह नदी न मानकर कान्ह और सरस्वती दो नदियाँ हैं, उसके अलावा इसमें कई नाले मिलते हैं, जैसे पीपलेहाना का नाला या उधर से आने वाला अपने एयरपोर्ट से आने वाला सिरपुर के तालाब के पास से आने वाला नाला जिसको पीलिया खाल बोलते हैं, ऐसे कई नालों का संगम है, बाणगंगा है। अब हुआ क्या है कि इंदौर नगर निगम ने बहुत प्रयास करके करीब करीब 8 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, रीजनल ट्रीटमेंट प्लांट, और उसमें रीजनल ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को उपचारित कर छोड़ा जाता रहा है, परंतु उसके बावजूद भी हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं से, और उसके पहले इन 8 या 9 या 10 ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा उसके पहले इन्होंने बहुत बड़ी योजना चलाकर नाला टैपिंग किया, जिसमें कि नालों से मतलब इंदौर की ड्रेनेज व्यवस्था का पानी कान्ह नदी में सीधे नहीं मिले, इस बात का बहुत बहुत प्रयास किया, परंतु लगता है कि उसमें भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। और दूसरी बात है कि जिस ट्रीटमेंट या जिस उपचार की बात
इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में की जा रही है, शायद उसमें थोड़ा सा गैप रह रहा है और उस गैप के कारण पानी प्रदूषित है। इसके अलावा जो ऐसे डिस्चार्ज, इस तरह का डिस्चार्ज जो कि किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, अभी भी वो पकड़ में नहीं आया है, अभी भी वो नाला टैपिंग की जद में नहीं गया है, इस तरह के सारे जो आ रहे हैं पानी के प्रवाह वो खान नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। फिर खान नदी के किनारे, चाहे वो पालदा हो, चाहे वो पोलो ग्राउंड हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई नगर का इंडस्ट्रियल एरिया हो, सारा का सारा एरिया में से इंडस्ट्री है, उसके लिए भी एक उपचारित करने के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के, पानी के वेस्ट को उपचारित करने के लिए भी पोलो सेक्टर सी में बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया सिंहस्थ के पहले, परंतु शायद कहीं तो भी कोई ना कोई उद्योग या कोई ना कोई औद्योगिक इकाई इसको प्रदूषित करने का प्रयत्न करती रहती है, और वो देर रात को कहो या टैंकर के थ्रू कहो अपना प्रदूषित पानी उसमें छोड़ देते हैं, शायद ये कारण हो सकता है। फिर कई नाले हैं जो, जैसे पीपलाहाना का जो नाला है वो, उस पर एक जगह पीपलाहाना तालाब के पास इन्होंने वो बनाया है उपचार के लिए संयंत्र, परंतु उसका पानी हमने अभी अप्रैल मई में देखा था कि जो पानी उसमें से निकल कर आ रहा है उसमें बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व उपस्थित है, उसके कारण पीपलाहाना तालाब में काई पैदा हुई थी और उसकी अखबार में भी खबरें छपी थी और उसके अलावा उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। वहाँ पर एक व्यक्ति के प्रयासों से, उनका नाम, उनके प्रयासों से उन्होंने कुछ फ्लोटिंग आइलैंड वगैरह भी बनाए हैं, उन्होंने अपनी शादी में मिला हुआ पूरा गिफ्ट भी उसमें डोनेट किया, पर उसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो उपचार करने की जो प्रक्रिया है उसकी पुनः जांच की जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, जिसमें कि पोषक तत्व भी हट जाएँ, क्योंकि पोषक तत्व ऐसे आ रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर से निकला हुआ जो मलमूत्र है वो यदि पूरी तरह से ना हो, और फिर हमारा ये खान नदी जैसे खेतों खलिहानों से होकर ऊपर से आती है उसके कारण भी होता होगा। फिर ऐसे कई नाले हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि तुलसी नगर का नाला, उसकी सहायक नाले, उसमें इतनी गंदगी है क्योंकि वहाँ पर ना हमारी ड्रेनेज लाइन ढंग से काम कर रही है, ना वहाँ पर कोई भी उपचार करने के लिए संयंत्र लगा है। दूसरा जो नाला है वो पलासिया नाला जिसको कहते हैं, जो भागीरथपुरा के वहाँ जाकर मिलता है, उसमें भी वही समस्या है, उस नाले पर भी कोई उपचार करने का संयंत्र नहीं है। हालांकि उसमें जगह जगह पर इसका निशान मिलता है कि नाला टैपिंग किया गया है, परंतु आप तिलक नगर के पीछे पीपला, वो तिलक नगर के पीछे विनोबा नगर के वहाँ देखें, वहाँ तालाब है गंदा, मतलब उस गंदे पानी का अभी भी पूरी तरह से उपचार संभव नहीं हो पाया है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पर यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इसको अध्ययन किया जाए वार्ड वाइज, और उसके पहले हर नाले के हर छोटी छोटी शाखा पर ध्यान दिया जाए कि उस शाखा से कितना प्रदूषण नाले में आ रहा है, और फिर वहाँ पर उसको कैसे, किस जगह पे, या तो इन सीटू या कुछ भी करके, आज बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध हैं, ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, पर शायद पूरा जो क्या जिसको कहा जाता है पूरा कवरेज, या जिसको कहेंगे कि हम उस पूरे इस पे ध्यान दे नहीं पाए हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना बहुत बहुत जरूरी है। जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रोफेसर साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है कहीं ना कहीं। और अगर बात की जाए, यहाँ उद्योगों का जिक्र किया है, निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है पानी को लेकर कि ये नदी साफ हो जाए, ये नाला साफ होकर नदी का रूप ले ले फिर से, लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्योग बेलगाम है उन पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है दीपिका कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरे, ये कहें कि समन्वयित प्रयास नहीं है, बड़े स्तर पर जो कोशिशें की जा रही है, नाला टैपिंग की जा रही है, जो आउटलेट्स हैं जो सीधे गंदा पानी छोड़ रहे हैं इस नदी में उनको तो बंद कर दिया गया है, उनके लिए पाइपलाइन के जरिए उसको बाहर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन जो जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो छोटे छोटे आउटलेट्स हैं अभी भी ऐसे अनआइडेंटिफाइड आउटलेट्स हैं जो कहीं ना कहीं उनका गंदा पानी जो है वो इस नाले में मिल रहा है और इसका जो पानी है उसको
दूषित कर रहा है। सर, जो इंडस्ट्रियल एरिया की आपने बात की है, उस पर किस तरह से लगाम कसी जा सकती है, क्योंकि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार इन इंडस्ट्रियल एरियाज में भी लगातार ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने की बात करता रहा, तो इस पर किस तरह से लगाम कसी जा सकती है? देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट के पानी का को ट्रीट करना बहुत महंगा काम होता है। सामान्य तौर पे कोई भी इंडस्ट्री इसको अपव्यय मानती है अपने खर्चों में, परंतु यदि आपका दबाव बहुत प्रभावी रहे और आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फाइन करें, तो स्वाभाविक है कि हर इंडस्ट्री उस पर मजबूर होगी। और नहीं तो फिर जिस तरह से आपने सी सेक्टर में इंडस्ट्रियल एरिया के उसमें किया है, आपने उस तरह का प्लांट आप पालदा में भी बना सकते हैं और भी जहां औद्योगिक घनत्व ज़्यादा है वहां पर हम इस काम को कर सकते हैं। और ज़्यादा सामूहिक यदि ट्रीटमेंट यूनिट होगी तो खर्चा भी कम आएगा, हर एक आदमी को खर्चा कम लगेगा। यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा कड़ाई बरतने की आवश्यकता है, मेरा विचार है। तो दीपिका, स्पष्ट है कि जिस तरह से लगातार सूक्ष्म स्तर पर शहरी क्षेत्र में जिस तरह से काम किया गया है, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर उनका ट्रीटमेंट प्लांट का रूप दिया गया है, ठीक उसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियल इकाइयां जो हैं, ये कहें कि दो चार इकाइयां मिलकर या पांच इकाइयां मिलकर अगर एक छोटा छोटा ट्रीटमेंट प्लांट भी उन एरियाज में बनाया जाए, तो उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट के साथ में काम किया जा सकता है और कहीं ना कहीं उसके काफ़ी अच्छे प्रयास जो हैं, वो उसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे मिल सकते। इस तरह से पालदा वाला जो क्षेत्र हो गया, सांवे रोड इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये तमाम जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर अच्छा काम करने की भी आवश्यकता है। और जिस तरह से प्रोफेसर नारुलकर ने बताया कि थोड़ी सी सख्ती जो है वो अगर दिखाई जाएगी तो ही इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल पाएंगे, और जो ये कहें कि उम्मीद के अनुरूप जो रिजल्ट हैं वो सामने आ पाएंगे, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो नाला है वो वापस से नदी का स्वरूप ले सकता है। हम प्रोफेसर आपसे पूछे, सर ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या ये कहें कि जो गंदा पानी शहर के बीच से बहता है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के बाद से ही लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंदौर का 200 के पार चल रहा है। कहीं ना कहीं ये चूँकि इंदौर जो है स्वच्छ शहरों की लगातार बना हुआ है 6 बार से, ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बदनुमा दाग लगा रहा है। जहाँ तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का सवाल है, वैसे नदी के पानी से या नदी के गंदगी से या नदी के अंदर अपशिष्ट के प्रवाह से वैसे तो कुछ नहीं होता। एक जो दुर्गंध की समस्या आती है वो गंदगी है, और दूसरा बड़े पैमाने पे उसमें से जब यदि पानी रुका हो, थमा हो, या किसी किस्म का एनारोबिक, मतलब जिसको कहे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी तरह से कुछ प्रक्रिया हो रही हो, तो वहाँ पर मीथेन गैस और दूसरी गैसेस उगती है। परंतु ये जो हमारे इंदौर में अभी AQI बढ़ा है, इसमें जो सबसे बड़ी जवाबदार चीज़ है कि अभी अभी कुछ ही दिन पहले सोयाबीन कटा आसपास चारों तरफ, दूसरा अब मिट्टी सूखना शुरू हुई, अभी तक मिट्टी बरसात की लगातार बरसात होने के कारण मिट्टी थोड़ी सी गीली थी और उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा थी, और हमारी इंदौर के आसपास की जो काली मिट्टी है उसमें बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे उपस्थित हैं। उसके कारण क्या होता है कि जैसे ही सूखती है ये मिट्टी, बहुत धूल उत्पन्न होती है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो वाहनों का प्रदूषण है, जो दिवाली के दिनों में हम लोगों ने बाज़ारों में गए, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, तो वाहनों के प्रदूषण से भी अब एक परिस्थिति नई निर्मित होती है। मैं पटाखों को दोष नहीं दूंगा, पटाखे तो 10 दिन 12 दिन थोड़े बहुत चलते हैं, उसमें भी अब तो लोग, बहुत सारे समझदार लोग शायद पटाखे नहीं चलाते, और पटाखे चलाने से कोई इतना प्रदूषण लंबे समय तक नहीं रह सकता। दिवाली के दूसरे दिन जरूर मैंने देखा कि दिवाली का जो बिल्कुल दूसरे दिन की सुबह थी, मेरा घर चूँकि मेपलवुड नाम के अपार्टमेंट में 14वीं मंजिल पर है, तो मेरे घर से पूरा एक स्याह काला बादल चारों तरफ घिरा हुआ था, और हमारे घर से दिखने वाली राला मंडल की पहाड़ी या कुर्बान की पहाड़ी वो दिखना बंद हो गई थी। तो मेरा ये मानना है कि ये तो थोड़ा सा क्षणिक होता है, पर अब जब लंबे समय से एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके लिए अभी
घटने वाला तापमान भी, क्योंकि अब रात का तापमान घटता जा रहा है, दिन का भी तापमान में अंतर आ रहा है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हवा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है, उसके कारण भी जो प्रदूषण पैदा हो रहा है, चाहे वो वाहनों के कारण, चाहे वो औद्योगिक प्रदूषण हो, चाहे वो धूल का प्रदूषण हो, ये सारा का सारा प्रदूषण अब ऊपर नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि हवा का प्रवाह एकदम धीरे धीरे घटेगा। हवा चल जरूर रही है पर ऊपर के स्तर पर नीचे के स्तर पर उठती नहीं है, क्योंकि वो ठंडी ही हो रहती है, इस जमीन का सतही तापमान ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, तो अब वो शायद मुश्किल खड़ी होगी। और हम ये जानते हैं हमेशा कि दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने तक इंदौर में AQI बहुत ज़्यादा पुअर रहता है। फिर भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि नगर निगम वालों ने इंदौर में सफाई की है और हमारी सड़कों के किनारे रात रात को 3 बजे भी और 4 बजे भी मशीनें पोछा और वैक्यूम क्लीनिंग करती है। तो आज की तारीख में हम लोग पिछले कुछ सालों में, मतलब करीब करीब आप ये सोचिए कि 10 साल पहले के समय से, अब हम काफ़ी ज़्यादा सुधारित हवा को हम अपने आप में श्वास में ले रहे हैं। तो हम इस भाग के लिए भाग्यवान हैं। और हमने जो देखा कि आज कचरा जलाना कम हो गया, आज कचरे को वहीं पड़े रहने देना कम हो गया, धूल को उठाने की व्यवस्था की गई है, उसको वैक्यूम क्लीनिंग किया जाता है मोटी बड़ी सड़कों पर, तो उसके कारण बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। और अभी AQI जो बढ़ा हुआ है ठीक है, पर हम अभी भी दिल्ली या और उत्तर भारत के किसी शहर की श्रेणी में नहीं गए हैं, इसका मुझे अभी भी जी बिल्कुल गर्व की बात यहाँ पर कही है। और नगर निगम यहाँ पर लगातार जो है प्रयास कर रहा है, प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। अगर बात करें, चूँकि बारिश की यहाँ पर बात की है, अब ठंड आ चुकी है, हवा में जो है शुष्की रहने वाली है, और इसी वजह से एयर इंडेक्स जो है, जो एयर पॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन बात करें प्रकृति की, प्रकृति खुद को हील कर लेती है, कहीं ना कहीं ये शक्ति होती प्रकृति में कि जो विध्वंस मानव द्वारा किया गया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बारिश, इतनी तेज़ बारिश होने के बाद भी जो बहाव है वो इस नदी को शुद्ध नहीं कर पाया है, हमने किस हद पर, किस मुहाने पर लाकर प्रकृति को खड़ा कर दिया है कि वो खुद को हील नहीं कर पा रही है। सिर्फ नगर निगम या प्रशासन के प्रयास से ये संभव है क्या? आम जन की भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है दीपिका, जिस तरह से इंदौर ने जो स्वच्छता का एक तमगा हासिल किया है और लगातार 6 वर्षों से इंदौर ये उपलब्धि हासिल करता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जन भागीदारी जो है वो सबसे उसकी अहम भूमिका रही है। ठीक उसी तरीके से अगर जो नदी की सफाई का इशू हो या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो, तो दीपिका इसमें जन भागीदारी जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती है और उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसा प्रोफेसर नारुकर ने कहा कि ये लगातार चूँकि इसी क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये काफ़ी सूक्ष्म तरीके से उस चीज़ तक पहुंचते हैं, उसके कारणों तक पहुंचते हैं, उसके कारकों तक पहुंचते हैं, और जिस तरह से उसका रेमेडी होना चाहिए वो भी लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन चूंकि ये कहा है कि पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, अगर हम बात करें पहले की तुलना में अभी काफ़ी अच्छी स्थिति है, जिस तरह से लगातार स्वच्छता बनी हुई है, लगातार सफाई सड़कों की होती है और पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके जो एक प्रयास है, ये कहें कि उसके रिजल्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, और उसका ही एक नतीजा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। लेकिन जो रिपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नदी को लेकर आई है वो थोड़ी सी निराशा जरूर लाती है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अब उन कारकों पर काम करने की आवश्यकता है जो अनआइडेंटिफाई हैं, और उनके कारण आज भी जो नदी है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन उसमें हो रहा है, वो दूषित अभी भी हो रही है, और उसका जो पानी है वो लगातार खराब बना हुआ है। तो ऐसे में अब कुछ ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे स्थानों पर बनाए जाने की आवश्यकता है जहां पर जो सबसे बड़े कारण बन रहे हैं इस नदी के प्रदूषण के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक समन्वित प्रयास की एक बार फिर से आवश्यकता फिलहाल देखी जा रही है, ताकि जो कान नदी के है उसको पुराना स्वरूप में वापस से लाया जा सके और उसके पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही ये कहें कि उसको अच्छा बनाया जा सके, उसको उपयोग के लायक बनाया जा सके। राहुल जी, हमसे जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर संदीप नारुलकर जी, जिन्होंने विस्तार से इस विषय पर हमसे बात की। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि
सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो है कान्हा नदी को लेकर जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे थे, उसे साफ सुथरा बनाने को लेकर, इसके किनारों को सुंदर करने को लेकर, इसे विकसित किए जाने को लेकर, वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल अब तक साबित हुए हैं और प्रदूषण का स्तर कहीं भी कम होता नजर नहीं आ रहा है इतने सभी प्रयासों के बावजूद। तो कहीं ना कहीं इन प्रयासों में कहाँ कमी रह गई है, उस पर मंथन कर जरूरी है कि जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जाए और उन प्रयासों को और बढ़ाया जाए, माइक्रो लेवल की प्लानिंग की जाए कि कहाँ कमी रह रही है, उसे दूर करते हुए इन प्रयासों को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। डीजे न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।